हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ व्रत में खाने वाली तीन बहुत ही आसान सी मिठाई बनाने की रेसिपी, जिन्हें इस लॉकडाउन के टाइम पर आप इजीली घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं इसे बनाना। घर पर बर्फी तैयार करने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे 1.5 लीटर जितना दूध। मैंने यहाँ पर ये नॉर्मल डेयरी वाला दूध यूज़ किया है, आप चाहें तो इसकी जगह फुल क्रीम मिल्क भी ले सकते हैं। इस रेसिपी में मैं आपको जो भी मेज़रमेंट बताऊँगी वो 1.5 लीटर दूध के लिए होगा। तो अगर आप ज़्यादा बर्फ़ी बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप उसके अकॉर्डिंग मेज़रमेंट को एडजस्ट कर लें। तो अभी हम इस दूध को लगातार चलाएँगे और इस दूध को हमें जब तक पकाना है, जब तक कि इस दूध का एक मावा ना बन जाए, तब तक इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। दूध को हमें यहाँ लगातार इसलिए चलाना है क्योंकि हमें इसके लिए एकदम वाइट मावा चाहिए। तो अगर आप इसे बीच बीच में चलाना बंद कर देंगे तो जो दूध का कलर है वो हल्का डार्क हो जाएगा और जिसकी वजह से हमारा जो मावा है वो एकदम वाइट नहीं बनेगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो दूध है वो काफ़ी थिक हो गया है और इस टाइम पर जो दूध है वो नीचे तले में काफ़ी लगता है। तो अगर आप इस रेसिपी को लोहे की कढ़ाई में बना रहे हैं तो प्लीज़ इस टाइम पर आप इसे लगातार चलाते रहें, चलाना बंद बिल्कुल ना करें। तो अगर आप बिगिनर हैं और फर्स्ट टाइम ये रेसिपी ट्राई कर रहे हैं तो मैं आप सजेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप इसे नॉनस्टिक की कढ़ाई में बनाएं, क्योंकि इसमें इसे चलाना काफ़ी आसान रहता है और ये चिपकता भी नहीं है। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने इसे लगातार चलाते हुए एक मावा की फॉर्म में लेकर आ चुकी हूँ, बट अभी जो मावा है वो काफ़ी लूज़ है, हमें इसी तरीके का मावा चाहिए इसके लिए। तो अब हम इस मावा में डालेंगे शुगर। तो मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर जितना दूध लिया था, इसके लिए मैं इसमें 150 ग्राम जितनी शुगर डाल दूंगी। तो अगर आप ज़्यादा दूध ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग शुगर को एडजस्ट कर सकती हैं। अभी हम यहाँ पर शुगर को एक साथ बिल्कुल नहीं डालेंगे, आप देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग बैचेस में डाल रही हूँ इसे। इससे क्या होगा, चीनी जो है वो जैसे जैसे मावा में मिक्स होगी वैसे वैसे वो पानी छोड़ने लगती है और मावा जो है वो धीमे धीमे हल्का पतला होने लगता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर चीनी को थोड़ा थोड़ा करके डाला है। अभी हम इसे लगातार चलाएंगे जब तक कि चीनी जो है वो इस मावा में अच्छे से नहीं घुल जाए। और यहाँ आपको एक बात याद रखनी है कि जब आप इस मावा में चीनी डालें उस टाइम आप गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखें, क्योंकि इस टाइम पर अगर आप गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे तो मावा नीचे पकने लगेगा जिसकी वजह से इसका कलर डार्क हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, चीनी मावा में अच्छे से घुल चुकी है और यह हल्का पतला भी हो गया है। तो इस टाइम पर अब हम इस मावा को मीडियम गैस की फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। जब मावा कुछ इस तरीके का दिखने लगे और बर्तन को एकदम अलग छोड़ने लगे, यानी मावा अच्छे से पक चुका है, तो बस यहीं हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और अब हम इस मावा को लगातार चलाते हुए ठंडा करेंगे। हाँ जी फ्रेंड्स, आप याद रखें कि आपको इसे ऐसे ही ठंडा करने के लिए नहीं छोड़ना है, इसे लगातार चलाते रहना है। इसी से हमारी जो बर्फियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगी और एकदम मार्केट जैसी लगेंगी। तो इसे लगातार चलाते हुए मैंने ठंडा कर लिया है, आप देख सकते हैं अभी ये एकदम कम्बाइंड हो गया है और चलाते समय आपस में चिपक रहा है और पूरा मावा एक जगह इकट्ठा हो गया है। तो जब मावा कुछ इस तरीके का दिखने लगे, यानी वो अच्छे से ठंडा हो चुका है, और अगर आपको ऐसे समझ ना आए तो आप इसे छू कर देख सकती हैं। अगर आप मावा को आसानी से छू पा रहे हैं यानी ये अच्छे से ठंडा है, तो अब हम इस पूरे मावा को एक अलग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे जिसमें मैंने पहले से ही ऑयल को ग्रीस करके रखा हुआ है। आप चाहें तो इस प्लेट पर बटर पेपर या फिर फॉइल पेपर भी लगा सकते हैं, वैसे तो ऑयल लगाने से भी बर्फियाँ आसानी से निकल आती हैं। तो पूरे मिक्सर को हम इस ट्रे में डाल देंगे और अब हम इसे हल्के हल्के हाथ से फैलाएंगे इस तरीके से। बर्फियाँ जमाते समय आप एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप बर्फियाँ जमा रहे हैं तो जो बर्फियों का मिक्सर है वो कभी भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर मिक्सर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो इसकी जो बर्फियाँ हैं वो अच्छे से सेट नहीं होंगी और काफ़ी लूज़ रह जाएंगी, इसीलिए पहले मिक्सर को अच्छे से ठंडा कर लें। इसी के साथ हम इस पर डालेंगे थोड़े से इलायची के दाने, साथ ही डालेंगे थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो डालें अदरवाइज़ स्किप भी कर सकती हैं। बस ये ड्राई फ्रूट्स डालने से ये लास्ट में देखने में अच्छी लगती हैं। हल्का सा स्पून से दबा देंगे जिससे ड्राई फ्रूट्स इसमें अच्छे से सेट हो जाएं। अभी हम इन बर्फियों को 2 घंटे के लिए अच्छे से सेट होने के लिए छोड़ देंगे। 2 घंटे के बाद अभी आप देख सकते हैं बर्फियाँ अच्छे से सेट हो चुकी हैं। तो अब हम एक चाकू लेकर इसे साइड से इस तरीके से कॉर्नर से अलग करेंगे। बर्फियाँ जमाते समय आप याद रखें कि आपको इसे फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना है,
फ्रिज में रखने से बर्फ़ियों का जो टेक्सचर है वो उतना अच्छा नहीं आता है, इसीलिए आप इसे बाहर ही रखकर ठंडा करें। अभी हम इसे पलट कर हल्का सा टैप करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स कितनी आसानी से हमारी बर्फ़ियाँ निकल आई हैं। अगर बर्फ़ियाँ इतनी आसानी से ना निकलें तो आप ट्रे को हल्का सा गर्म कर लें, इससे बर्फ़ियाँ आसानी से निकल आएंगी। तो अब हम इसे पीसेस में कट करेंगे। पीसेस आप अपनी इच्छा अनुसार थोड़े छोटे या बड़े जैसे भी आप कट करना चाहते हैं वैसे कट कर सकती हैं। तो मैंने तो इन बर्फ़ियों को बस 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रखा था। अगर आपके पास टाइम हो तो आप मिनिमम 3 से 4 घंटे के लिए सेट होने के लिए रखें, इससे बर्फ़ियाँ जो हैं वो बहुत ही अच्छे से सेट होती हैं। तो अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये कितनी आसानी से कट हो रही हैं और चाकू पर चिपक भी नहीं रही हैं। अच्छी बर्फ़ियों की ये पहचान होती है कि आप जब भी उसे कट करेंगे वो कभी भी चाकू पर नहीं चिपकती हैं और आसानी से अलग हो जाती हैं। तो अभी मैं आपको इसका टेक्सचर भी दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये मार्केट से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हमने इसे बिना किसी मिलावट के बनाया है। अभी मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स कितनी सॉफ्ट है और ऐसा नहीं है कि चिपचिपी बनी है, तोड़ते समय इनमें खिंचाव है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बर्फियाँ बनी हैं, तो प्लीज़ आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। काजू कतली बनाने के लिए मैंने लिए हैं यहाँ पर 150 ग्राम जितने काजू। मैंने यहाँ पर ये 2 पीसेस वाले काजू लिए हैं जो कि थोड़े सस्ते पड़ जाते हैं, आपको जो भी अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। तो अभी हम काजुओं को एक बार अच्छे से देख लेंगे कि इसमें कोई ख़राब काजू तो नहीं है, अगर है तो उसे निकाल देंगे क्योंकि इससे काजू कतली का टेस्ट थोड़ा कड़वा भी हो सकता है। तो आप एक बात और याद रखें कि आप जो काजू ले रहे हैं वो एकदम ड्राई यानी कि सूखे होने चाहिए, अदरवाइज़ इसका पाउडर जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो अभी हम इन पूरे काजुओं को एक मिक्सी के जार में डाल देंगे। मैंने थोड़े ही काजू लिए हैं इसीलिए मैं इसे एक बार में ही पीस लूँगी। काजू पीसते समय आप एक बात का ध्यान रखें कि कभी भी आप लगातार मिक्सी को ना चलाएं, बस इसे कुछ सेकंड के लिए चलाएं और एक बार इस तरीके से पूरे पाउडर को ऊपर नीचे कर लें। इससे क्या होगा, काजुओं में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयल होता है, तो अगर आप इसे लगातार पीसेंगे तो काजू ऑयल को छोड़ देंगे जिसकी वजह से इसका पेस्ट जैसा बन जाएगा, पाउडर नहीं बनेगा, जिससे हमारी काजू की बर्फ़ी उतनी अच्छी नहीं बनेगी। तो कुछ कुछ सेकंड इसे चलाकर इसे बार बार खोलकर इस तरीके से मिला लें। आप देख सकते हैं मैं एकदम बारीकी से आपको एक एक स्टेप करके दिखा रही हूँ। तो अभी हमारा एकदम महीन काजू का पाउडर बनकर तैयार है। आप चाहें तो आप इसे छानें, अदरवाइज़ बिना छाने भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे एक बार छान लूँगी कि इनकेस काजू में थोड़े बहुत पीस रह गए हों तो वो ऊपर रह जाएं। तो इस तरीके से पूरे काजू के पाउडर को हम अच्छे से छान लेंगे। पाउडर को अच्छे से छानने के बाद थोड़ा बहुत दरदरा मिक्सचर रह गया है जो कि छन्नी में ऊपर आ जाएगा। तो अभी हमारा एकदम बारीक काजू का पाउडर बनकर तैयार है। तो इस पाउडर को तो अभी हम साइड से रख देते हैं। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो गैस पर हम एक कढ़ाई में डालेंगे 1/4 कप जितना पानी। पानी को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप जितनी चीनी, जो कि वेट से मेज़र करने पर 100 ग्राम जितनी चीनी है। मैंने 100 ग्राम जितनी चीनी में 50 ग्राम पानी डालकर इसे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे, जब तक कि चीनी पानी में अच्छे से घुल ना जाए, तब तक इसे लगातार चलाते रहेंगे। कुछ ही टाइम बाद आप देखेंगे चीनी जो है वो पानी में अच्छे से घुल चुकी है। तो अब हम इसे कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे, जब तक कि इसमें एक तार की चाशनी ना बनकर तैयार हो जाए। 1 मिनट के बाद एक बार वापस से इसे चलाएंगे और अभी हम इसे चेक करेंगे कि इसमें एक तार वाली चाशनी बनी है या नहीं। तो इसके लिए थोड़ी सी चाशनी को हल्का ठंडा करके इसे उंगलियों पर इस तरीके से लेंगे और आप देखेंगे इसे हल्का सा खींचने पर एकदम बढ़िया तार इसमें आ रहा है, यानी चाशनी बनकर तैयार है। तो बस गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब हम डालेंगे इसमें अपने काजू का पाउडर। याद रखें पाउडर डालने से पहले मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। तो अभी हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पाउडर डालेंगे और इसे लगातार अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। अगर घर में कोई आपकी हेल्प कर सकता है तो आप उससे थोड़ा थोड़ा पाउडर डलाएँ और इसे जल्दी से मिक्स करें, क्योंकि इसे मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ मिक्सचर जो है वो ठंडा हो जाएगा और इतने अच्छे से नहीं मिलेगा। हमें इसका एकदम स्मूथ मिक्सचर बनाना है, जिसके लिए इसे लगातार चलाना ज़रूरी है। कुछ ही टाइम बाद आप देखेंगे ये पूरा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो चुका है।
तो अब हम इसे लगातार मिक्स करके एकदम स्मूथ करेंगे। याद रखें, मैंने गैस के फ्लेम को पहले ही ऑफ कर दिया है, तो आपको कभी भी गैस के फ्लेम को ऑन करते समय काजू को इसमें नहीं मिलाना है। अब आप चाहें तो इस मिक्सचर को किसी और बर्तन में डालकर भी ठंडा कर सकते हैं, बट उससे एक्स्ट्रा झंझट होता है, तो मैं आपको बिना किसी झंझट के करना बता रही हूँ। तो इसे अच्छे से मिलाएं जब तक कि मिक्सचर जो है वो एकदम स्मूथ ना हो जाए और आप इसे नॉर्मली हाथों से छू ना पाएँ, तब तक इसे मिलाते रहें। आप देखेंगे जैसे जैसे हम मिक्सचर को ठंडा करेंगे वैसे वैसे ये एक साथ इकट्ठा होने लगा है और बर्तन को एकदम अलग छोड़ने लगा है। तो जब आपको मिक्सचर कुछ इस फॉर्म में दिखने लगे तब आप इसे हल्के से हाथों से टच करके देख लें। अगर आप इसे हाथों से छू पा रही हैं यानी मिक्सचर एकदम परफेक्ट है। तो बस अभी हम मिक्सचर को और ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, इस पूरे मिक्सचर को हम एक बटर पेपर पर निकाल लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप किसी प्लेट को भी हल्का सा घी से ग्रीस करके उस पर भी बर्फियाँ जमा सकती हैं। तो मैंने हाथों को हल्का सा घी से चिकना कर लिया है जिससे मिक्सचर जो है वो हाथों पर चिपके ना। तो इसे हल्का सा मलकर अब मैं इसे इस तरीके से फैला दूंगी। अभी भी ये हल्का गर्म है तो आप इसे संभल कर ही करें। मिक्सचर को हल्का सा फैलाने के बाद इसके ऊपर से इस तरीके से बटर पेपर डालकर इसे हल्का पतला बेल लूँगी। मैं ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे, काजू कतली थोड़ी मोटी ही अच्छी लगती हैं। अभी हम इस पर चांदी की बर्फ लगा देंगे, यह आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएंगी। इससे बस काजू की कतलियों को जो टेक्सचर है वो एकदम बाजार जैसा मिलता है। तो ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लगाएं, अदरवाइज़ बिना इसके भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हल्की हल्की चांदी की बर्फ इस पर लगा देंगे और इस मिक्सचर को 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट में मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो चुका है तो अब हम इससे पीसेस कट करेंगे। याद रखें पीसेस को ज़्यादा दूरी पर ना कट करें, हल्का छोटा छोटा ही रखेंगे काजू कतली को, इसलिए थोड़ा थोड़ा दूरी पर इस तरीके से कट लगा देंगे। अब हम इसे इस तरीके से तिरछा काटेंगे जिससे काजू कतली को एक अच्छी डायमंड शेप मिलेगी। तो इसी तरीके से मैं पूरी काजू कतली को अच्छे से कट कर लूँगी। तो अभी मैं आपको इसमें से काजू कतली को निकाल कर दिखाती हूँ। इसका जो टेक्सचर है वो बाजार की काजू कतली से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि किसी भी त्योहारों की सीज़न में बाज़ार की मिठाइयों में बहुत ज़्यादा मिलावट मिलती है। तो आप बाज़ार से भी सस्ते दामों पर बहुत ही आसानी से ये काजू कतली बना सकती हैं। तो इस दिवाली या करवा चौथ पर आप इस काजू कतली की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, यकीन माने आपके घर में सभी को बहुत पसंद आएगी। तो अभी मैं आपको इसका टेक्सचर भी दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, जिस तरीके की काजू कतली बहुत ही सॉफ्ट बाज़ार में मिलती हैं, सेम उसी तरीके की हैं ये। अगर आप एक बार खाएंगे तो खाते ही मुंह में घुल जाएंगी, और इसमें मीठा भी बहुत ही कम होता है जिससे ये काफ़ी हेल्दी भी होती हैं। तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो एक बार फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बर्फ़ी तैयार करने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर 500 ग्राम जितना मावा। इसके लिए मैंने यहाँ पर एकदम वाइट और सॉफ्ट मावा लिया है जिसे मैंने घर पर ही बनाकर तैयार किया है। इसकी रेसिपी का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप चाहें तो मावा जो है वो मार्केट से भी ला सकते हैं, तो दोनों में से जो भी आपको ईजी लगे। इसी के साथ मैंने ली है यहाँ पर 200 ग्राम जितनी पिसी हुई चीनी, जिसे मैंने एक मिक्सी के जार में डालकर बारीक पीस कर रखा हुआ है। इसी के साथ अच्छे फ्लेवर के लिए लेंगे हम थोड़ा सा इलायची का पाउडर। तो अभी सबसे पहले हम इस मावा को हल्का सा कद्दूकस कर लेंगे, क्योंकि मैंने मावा को बनाकर फ्रिज में रख दिया था जिसकी वजह से मावा हल्का टाइट हो गया है। आप चाहें तो इसे हाथों से भी क्रम्बल कर सकती हैं, और अगर आप मावा को तभी बनाकर बर्फियाँ बना रहे हैं तो आपको ये प्रोसेस करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने यहाँ पर पूरे मावा को अच्छे से कद्दूकस करके तैयार कर लिया है। अभी आप देख सकते हैं हमारा पूरा मावा एकदम खिला खिला और सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इस मावा से बर्फियाँ बनाएंगे। बर्फियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए एक प्लेट तैयार कर लेंगे जिसमें हम बर्फियाँ जमाने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले प्लेट को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, और अब हम इस पर डालेंगे थोड़ा सा बटर पेपर। बटर पेपर डालने से बर्फियाँ आसानी से निकल आती हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप डायरेक्ट ऐसे भी जमा सकते हैं। तो यहाँ हमारी प्लेट तो तैयार है, अभी चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाई हुई है।
कढ़ाई में डालेंगे हम पूरा घिसा हुआ मावा। पूरे मावा को कढ़ाई में डाल देंगे और अब हम इसमें डालेंगे वो चीनी जिसे हमने पहले से पीस कर रखा हुआ था। तो यहाँ चीनी के पाउडर को भी इसमें डाल देंगे। और गैस की फ्लेम को ऑन करके लो टू मीडियम गैस के फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए पकने देंगे, क्योंकि इस रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पर कच्चा मावा यानी कि एकदम वाइट मावा यूज़ किया है, जो कि काफ़ी सॉफ्ट होता है और गर्म होने के बाद तो ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो इसे लगातार धीमी धीमी आँच पर चलाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही मैंने इसमें ये चीनी का पाउडर भी डाला है, तो ये भी धीमे धीमे पानी छोड़ने लगेगा, जिसकी वजह से हमारा जो मिक्सर है वो धीमे धीमे लूज़ होने लगेगा। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बस आपको इसे इस तरीके से लगातार चलाते रहना है। जैसे जैसे हम मिक्सर को लगातार चलाते जाएंगे, वैसे वैसे स्टार्टिंग में हमारा जो मिक्सर है वो हल्का लूज़ होने लगेगा। तो बस इसी तरीके से इसे कंटिन्यूसली चलाते रहें। आप देख सकते हैं इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये नॉनस्टिक की कढ़ाई यूज़ की है। आप इसे बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील अथवाइज नॉनस्टिक की कढ़ाई यूज़ करें। आप इसे एल्यूमिनियम की कढ़ाई में ना बनाएं, क्योंकि एल्यूमिनियम की कढ़ाई जो है वो अपना एक अलग कलर छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से बर्फ़ी जो है वो उतनी वाइट नहीं बनती हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी या तो आप नॉनस्टिक की अदरवाइज़ स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई में ही इसे बनाएं। अभी मिक्सर काफ़ी लूज़ हो चुका है, तो हम इसे लगातार चलाते हुए कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। इन बर्फियों को बनने में मैक्सिमम 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट में ये बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, तब तक इसे चलाना है जब तक कि ये कढ़ाई को एकदम अलग ना छोड़ने लगे और मावा चलाते समय इस तरीके से एकदम इकट्ठा ना होने लगे। तो जब मावा इस स्टेज में आ जाए और कढ़ाई को एकदम अलग छोड़ने लगे, तो बस इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। यहीं हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब हम इस मावा के मिक्सर को ठंडा करेंगे, क्योंकि बर्फियाँ बनाने के लिए कभी भी हमें गर्म मिक्सर को नहीं जमाना होता है। तो इस टाइम पर हम इसमें ये इलायची का पाउडर डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें केवड़ा सेंस भी डाल सकते हैं। अभी दोनों चीज़ों को अच्छे से मिलाकर इसे अच्छे से चलाते हुए ठंडा कर लेंगे, क्योंकि अगर आप गर्म गर्म बर्फियों को जमाएंगे तो वो उतने अच्छे से सेट नहीं होती हैं, जिसकी वजह से आपको बाद में जो बर्फियाँ हैं वो काफ़ी लूज़ लगने लगती हैं। तो पहले इसे अच्छे से ठंडा कर लें। जब मावा का मिक्सर अच्छे से ठंडा हो जाए कि आप उसे आराम से हाथों से छू पाएँ, तब इसकी बर्फियाँ जमाने के लिए रखें। तो अभी हम इसे एक बार हाथों से चेक कर लेते हैं कि हमारा मिक्सर ठंडा हुआ है या नहीं। तो मिक्सर हल्का ठंडा है, मैं इसे आराम से हाथों से छू पा रही हूँ। तो अभी हम इसे उठाकर उस ट्रे में डाल देंगे जिसे हमने पहले से ग्रीस करके तैयार करके रखा है। मिक्सर को ट्रे में डालने के बाद अब हम इसे हल्का हल्का फैला देंगे इस तरीके से। अब बर्फियों का साइज़ आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको थोड़ी मोटी बनानी है तो आप इसे थोड़ा मोटा मोटा फैलाएं, और अगर आपको पतली बनानी है तो आप थोड़ा पतला फैला सकते हैं। अच्छे से चिकना कर लेंगे इसे। पूरे मिक्सर को अच्छे से चिकना करने के बाद अब हम इस पर लगाएंगे ये चांदी की बरक, या आपको बाज़ार में ईजिली मिल जाएगी, जो कि काजू कतली वगैरह या और भी मिठाइयों पर लगाई जाती है। तो इस चांदी की बरक को हम इस पर लगा देंगे, जिससे हमारी बर्फियाँ देखने में और भी ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो अगर आप इस भाई दौज या दिवाली पर इस मिठाई को बनाकर किसी को भी देंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है ये मिठाई। पूरी चांदी की बर्फ को लगाकर अब हम इसे कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे। 4 घंटे बाद बर्फियों को चेक करेंगे। मिक्सर अच्छे से सेट हो चुका है। अगर आपको इसे थोड़ा जल्दी बनाना है तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं, उसे 1 घंटे में ही सेट हो जाएंगी। अभी हम इससे बर्फियाँ कट कर लेंगे। बर्फियों का साइज़ आप पर डिपेंड करता है, आप थोड़ी छोटी या बड़ी जैसी भी कट करना चाहें वैसी कट कर सकती हैं। आप देख सकते हैं मैं बर्फियों को कट कर रही हूँ, तो मिक्सर बिल्कुल भी चाकू पर चिपक नहीं रहा है। तो ये एकदम परफेक्ट मिक्सर की पहचान होती है कि अगर वो कटते समय चिपके नहीं, यानी वो अच्छे से सेट हुआ है। तो अभी मैं आपको इसमें से बर्फियाँ निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, कितनी आसानी से और कितनी परफेक्ट हमारी बर्फियाँ जमकर तैयार हुई हैं। तो लग रही हैं ना एकदम बाज़ार जैसी, बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छी, क्योंकि त्यौहारों की सीज़न में बाज़ार में जो मिठाई आती है उसमें बहुत ज़्यादा मिलावट होती है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इन टाइमों पर आप अपने घर पर ही एकदम शुद्ध मिठाई बनाकर तैयार करें, जो कि काफ़ी टेस्टी भी होती हैं और हेल्दी भी। तो अभी मैं आपको इसमें से एक बर्फी को तोड़ कर दिखाती हूँ। ऐसा नहीं है कि ये तोड़ते समय बहुत ज़्यादा खिंचेगी, अदरवाइज़ इसमें चिपचिपापन है,
ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। आप देख सकते हैं मैं तोड़ रही हूँ तो कितनी आसानी से टूट रही हैं, तो इसकी सॉफ्टनेस तो आपको ऐसे ही दिख रही होगी। तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो आज की सभी रेसिपीज आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं इसी तरीके से और अच्छी अच्छी रेसिपीज आप सभी के साथ शेयर कर पाऊँ। तो एक बार फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।